अगर ये इतना बढ़िया ही कानून था और इनने जो बनाया है, तो यहाँ में सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकील ने समर्थन दे दिया है। सबसे पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा वो जो है का ये तो आम आदमी का जो केजरीवाल है, उसने भी समर्थन दिया है। अन्य वैसे भी लग रहे हैं। आज ये पूरे भारत का संगठन, किसान संगठन उमड़ गया है। अच्छा। बीजेपी सरकार को इस पर झुकना पड़ेगा। अगर ये इस काले कानून को वापस नहीं करेंगे तो यहाँ से संगठन हटेगा नहीं। ये हमारी नहीं बजाएंगे, ये अपने दोस्तों की बजाएंगे, अंबानी की और आडवाणी की। ये हमारी नहीं बजाएंगे, उनसे इनकी तय है। ये 14 से चल रहा है प्रोग्राम। ये जो काले कानून बना है वापस कर दो, MSP ये जमा पहना दो, चले अपने घर जाएंगे। जो सरकार है वो यही कहते कि इस कानून से किसानों की आय दोगुना होगी, लागत का डेढ़ गुना मिलेगा, किसानों को अच्छे दिन आएंगे 2022 तक। कौन सा घर तक गए, एक बात बताओ, रेट डीजल के रेट दूने, पेट्रोल के रेट दूने, खाद के दूने, बिजली दूनी, फसल बिक रही है आधी कीमत पे, कैसे है जाएगी दूनी? कौन सा वो है विशेषज्ञ जो हमें बता दे? ये जितना आंदोलन लंबा लगेगा, देश विदेश में पहुंच रहा है, ये उतनी पब्लिक है ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे कुछ भाजपा नेता है वो कहते हैं कि तो नकली किसान है। नकली कौन है? कोई नहीं, आधार कार्ड देख लीजिए, एक भी नकली नहीं है, सब गलत बात है। कह रहे काला धन इनके पास आ रहा है कनाडा से, खालिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो आ रहा, हमारे जो देश में सब तरह के आदमी हैं, किसान बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सरमाएदार भी हैं, वही लोग यहाँ सेवा के लिए यहाँ खर्च कर रहे हैं और आपस में हम इकट्ठा कर लेते हैं खर्च करके, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने बीजेपी सरकार तो बनाई है भाई, वोट भी दी है इनको, लेकिन हम अब खड़े हैं, हम तो जैसे ये मजबूत बनाए ऐसे ही मजबूत हम इनके सामने खड़े हैं। अब मानेगी मानेगी, माननी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, झुकेगी, तो माननी ही पड़ेगी। अब क्या किसानन से भिड़ी है, अब क्या किसानन से भिड़ी है, किसानन ने बनाई और किसानिया गिरा देंगे। लेकिन ताऊ जी 56 इंच का सीना है मोदी जी का, ऐसा कहते हैं लोग, किसानन की स्थिति में, किसानन के 60-60 इंच के छीने सीने, चिंता मत करो, तो एक मोदी है, किसान बहुत मोदी है, कहते हैं देश मजबूत हाथों में, किसानन ने करो, किसानन से मोदी जी डरेंगे, चिंता मत करें। किसान के पीछे ही तो मोदी जी बने, किसानन ने बनाए मोदी, जब ही डरिए, मतलब मोदी जी जो डरने लायक बनाए कौन ने बनाए, किसानन ने ही तो बनाए। ताऊ किसी ने पकड़ लिया तुम्हें? लेकिन आज तो किसान परेशान है सड़क पर, कतई परेशान ना, खूब डट के लड़ रहो है और लड़े जाएगा, चाहे 10 साल है जी, और जो सुधो से मर जाओ कोई चिंता ना। तो किसानों को मरवाने के लिए लाए हो क्या? कौन अगर मरवा रही है तो एक जिम्मेदार सरकार है, हम कहे मरवा रहे। मैं राष्ट्रीय किसान का जिलाध्यक्ष हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर का हूँ, जेवर तहसील है, थाना रबूपुरा है। मैं संगठन में राष्ट्रीय किसान के जिलाध्यक्ष के हिसाब से इसमें काम कर रहा हूँ, और हमने जब से हैं अड़े, हम तो जब से यहाँ अड़े हुए हैं। हमारी तो ये कि कहना है कि जो ये MSP पे जो बात करते हैं उसको तो कानूनी जामा पहरा दें और तीनों काले कानून को वापस ले लें, सब पब्लिक चली जाएगी। लेकिन जो मोदी सरकार है वो ये कहती है कि ये जो किसान कानून आया है इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी और जो इनका लागत का डेढ़ गुना मिलेगा, ये अच्छा कानून है। ये सब लच्छेदार जो बात करते हैं, किसान को गुमराह करने की बात है। लेकिन ताऊजी जो राजनाथ जी हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये जो कानून आया है कम से कम इसको 1-1.5 साल देख लीजिए आप। ऐसा है, कोई भी कानून जब चल जाएगा तो फिर 1.5 साल पीछे ना हो करें। इनने तो यहाँ तक भी कहा कि काले कानून है, जब बने का मोदी जी ने खुद कहा था, बीजेपी सरकार ने खुद कहा कि इतना पैसा पड़ा है बाहर और एक परिवार के सदस्य में 15 लाख रुपया आएगा, वो आज तक नहीं आया। कितने सारे क्षेत्र में किसान ने मिल करके इनको जताया, कितनी बड़ी हम लोगों को उम्मीद थी श्री मोदी जी पर, लेकिन आज उम्मीद सब फेल हो गई। लेकिन जो अडानी अंबानी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं हमारे देश में, वो तो ये कहते हैं कि किसान हमको फालतू में जो है घसीट रहे हैं इस पूरे आंदोलन में, हमारा ना तो कोई मतलब है जमीन लेने का किसान से, ना हम सीधे उनसे अनाज खरीदेंगे, हम तो जो FCI का अनाज है उसको केवल यहाँ पे सिक्योरिटी सुरक्षा देंगे, उस अनाज को हम ना खरीदेंगे डायरेक्ट ना उसको बेचेंगे। लेकिन उन्होंने 5-5 किलोमीटर लंबे जो वहाँ वेयरहाउस जो गोदाम बनाए हैं वो ये लॉकडाउन में कैसे बना लिए, पहले से क्यों नहीं बने? अगर उनके दिल में ये बात नहीं थी, अरे बीजेपी सरकार ने उनसे नहीं कही, तो उन्होंने 5-5 किलोमीटर लंबे जो वहाँ फार्म हाउस बनाए, गोदाम बनाए, वेयरहाउस, वो क्यों बनाए? वो इसलिए बनाए, एक सरमाएदार पूरे भारत के उसको खरीद देगा। एक प्याज ले लो तुम जी, प्याज खरीद लें तो 100 रुपये किलो बिक जाती है, वरना प्याज 20 से 10 से ऊपर की नहीं जाएगी। खाली ये आलू है, आलू जब कोल्ड में धर जाता है, बाहर रहता नहीं है, तो वो भी 100 रुपया धड़ी हो जाता है, 20 रुपया किलो। सबसे महंगा आलू बिका। यही कहानी है कि हम लोग, दूसरी कहानी हम इनसे ये कहते हैं कि MSP को तुम जामा पहरा दो, कानूनी जामा। लेकिन मोदी जी कह तो रहे कि MSP जारी रहेगी।
कही तो रहे कानून ही उसमें क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें कानून लाओ। मोदी जी का विश्वास नहीं है क्या आपको? ना ना अब नहीं है, अब किसी किसान को नहीं, अगर विश्वास होता तो यहाँ किसान अड़ते नहीं। कह रहे ये कहाँ किसान है, किसान तो खेत में काम करता है, तो हलवा पूरी खाते हैं यहाँ पर रह करके। हलवा पूरी भी तो हमारी है, किसान को ऐसा तो है नहीं, अब अनपढ़ तो रहा नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। अगर किसान पढ़े लिखे ना होते तो आप अड़ते क्यों? ये बड़ा घुमाए फराए के इनने 14 से ही जब बीजेपी सरकार बनी जब थी उनकी चल रही है बात, और ये बन तो गया साल भर पहले, 2 साल पहले, लेकिन अब उजागर लाए उसको लॉकडाउन में उजागर लाए, अब इन्हें कर दिया काम, इसे किसान भड़क उठे। लेकिन सर जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं अधिकारी हैं वो कहते हैं बार बार ये किसान ये कानून बढ़िया है, इसको आप देख लो, इससे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी, किसान को नकद पैसा मिलेगा, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नहीं, अगर वो इसको कानून को बढ़िया ना बताएंगे, मोदी जी के जो नुमाइंदे वो सरकार के तो इसको बढ़िया ही बताएंगे, और ऐसे बढ़िया ना बताएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जो बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा वो कहते हैं किसान हमारे साथ है पूरे देश का, ये तो मुट्ठी भर किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। अब यहाँ तुमको दिख रहा है कि यहाँ कम से कम 15-16 लाख किसान लगा हुआ है, तुम भी देख लो, तुम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे देख लो, कम से कम 2 लाख ट्रैक्टर और गाड़ी है। जब 2 लाख ट्रैक्टर और गाड़ी है तो पब्लिक कितनी है यहाँ, ये तुमको नहीं दिख रहा? वो नहीं कहेंगे, तुमको तो दिख रहा है, उनके कहने मत चलो, तुम खुद देख रहे। एक सरमाएदार के कोई गड़बड़ हो जाती तो कितनों करते, इन्हें किसान के लिए आज तक कोई धीर बंधाई है? यहाँ बीच में आओ समझाओ, इनके लिए कुछ देन लेन करते, इनकी कोई प्रतिमा बनवा दो, कुछ भी मत करो, इनकी लंबी लंबी प्रतिमा बनवा दो कि उस किसान आंदोलन में इन्होंने ये ऐसा किया। नहीं, उनको मजबूत तो है लेकिन किसान भी मजबूत है। सरकार बनाई कौन ने? किसान ने बनाई, किसान ने बनाई है, किसी और ने तो नहीं बनाई। किसान भी मजबूत है, मजबूत भी तो हमने करे, मजबूत हमने करे, मजबूत हम कर रहे हैं, मजबूत उनके गारे खड़े हैं। अच्छा, इतनी सरकार मजबूत है, और पार्टी लड़ाई यहाँ से कोई नहीं हटेगा, कोई किसान नहीं हटेगा, हर जिले का आदमी है। लेकिन ताऊजी जो मोदी सरकार है ना, नोटबंदी हो, GST हो, 3 तलाक हो, 370 हो, 35 हो, या किसान कानून हो, कोई भी कानून जो मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया अभी तक भी। नहीं, ये तो लेना पड़ेगा। अब ये कहाँ जा रहे हैं? इसमें छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो कि हम सरकारी कांटे लगाएंगे, सरकारी गेहूँ खरीदेंगे, वहाँ 70 टन गेहूँ धान खरीदने के बाद में कह दी गोदाम भर गए, कितनी बुरी दशा है, कहाँ उतर रहे हैं ये? हम यही तो कह रहे हैं कि जब तक इस MSP को कानून जामा नहीं पहराओगे, यानी जो रेट है उससे ऊपर खरीदो, नीचे मत खरीदो। अब वहाँ पिट गया किसान। उधर मक्का है, मक्का के 1850 की रेट है, आज 1800 बिक रही है, कहाँ खरीद रहे हैं ये? बाजरा था उसके 2250 के धान कंट्रोल रेट है, कौन ने खरीदा ये? ये सारी इनकी गुमराह करके किसान को चाल है कि अगर किसान सक्षम है कि तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ताऊ जी, जब किसान को इतनी जानकारी है सब चीज़ों की, तो फिर ये किसान को अभी तक जो है पूरा दाम क्यों नहीं मिलता है? आखिर किसान लुटता क्यों है देश में? अब जो यहाँ खड़े हैं तो यही ले तो खड़े हैं कि जो आगे को लौटे, आने वाली पीढ़ी हमको धुतकारेंगी, हमें मरे उनको भी ना बख्शेंगे, आने वाली जो संतान है। अच्छा। इसलिए सारा किसान यहाँ इकट्ठा हो गया है, और देश विदेश में चारों ओर को किसान हो रहा है, यहाँ हर प्रांत का किसान है, पंजाब का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, केरल में केरल का चल रहा है, पंजाब, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो अलग बन गया वो भी आ रहे हैं। कहाँ ना तुम देख रहे हो कितनी पब्लिक है, पब्लिक बहुत है, पब्लिक का कोई घाटा नहीं है। जो दो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि इस किसान आंदोलन से हमको बहुत घाटा हो रहा है। नहीं, वो घाटा भी तो वही कर रहे हैं, इनको जो घाटा कर रहे हैं तो ये बीजेपी सरकार कर रही है, किसान तो कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं उद्योगपति की किसान हमको बदनाम कर रहे हैं, हमारे जो है बिजनेस ठप होते जा रहे हैं। नहीं, ठप क्यों ना होंगे, जब किसान ही तो सब किसान को ही तो रीढ़ बताते हैं देश की, और किसान को ही जो है का वो बर्बाद करने के कंगार पर एक कानून बना दिए। हमारा सीधी बात है कि इनने जो बिजली को जो काम किया है, इस बिजली पे इसमें 50% की इसमें कर दीजिए छूट, और जो ये पवार पराली जो फूकते हैं उनमें 1-1 करोड़ रुपया जुर्माने कर दिए, कहाँ ले जाए? कि अगर हम यहाँ से हट जाते हैं, इन तीनों कानून को छोड़ देते हैं, तो ने मान लेंगे वो, और हम तीनों ने छोड़ना रहे तो ने मानेंगे ना। हम किसान सबरे मनवाए गए हटेंगे। किसान ने खुदकर्षी क्यों करी? क्या उनके उपज के रेट उनको नहीं मिल रहे, हर तरह से परेशान है। आज जब कर्जा में दब गया, जमीन जायदाद बिक गई, तो फांसी खुदकशी कर ली उन्होंने। और या क्यों ना कहें वो कि इतना किसान मर गया? लेकिन वो तो कहते हैं असली किसान नहीं है, उनका सर्टिफिकेट दिखाइए असली किसान है। हम पे तो देख लो, असली किसान का सर्टिफिकेट देखो, बोलो क्या देखोगे? पहचान पत्र देखो, आधार कार्ड देखो, पिन कार्ड देखो, हमें देख लो, खतौनी देखो, हम खड़े हैं यहाँ। लेकिन ताऊ जी, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा किसान हमारे देश में है, और युवा पीढ़ी भी हमारे देश में ही सबसे ज्यादा, जो नए युवा हैं, युवक हैं, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया था मोदी जी के नाम पर, हर हर मोदी, घर घर मोदी।
मोदी जी के नाम पर वोट हमने भी दी है। हमने जो महेश शर्मा आए हमारे एमपी जिला गौतम बुद्ध नगर में, उनको वोट नहीं दी, वो कई गांव में ही नहीं गए। हमने भी मोदी जी को वोट दी, लेकिन वोट देने के बाद वो पुरानी कहानी है के जो जाने बढ़ायो हुआ ये रौंदे कर रहे, आज बीजेपी रौंद रही है। लेकिन ताऊ जी जो बीजेपी है ना, वो जो छोटे मोटे चुनाव है शहरों में उनमें जीतती जा रही है फिर से। कोई बात ना है, हम जो करेंगे मत जीतो शहरों में, कल को वोट बरत हम भी दे देंगे, लेकिन इस मामले में तो किसान हट नहीं रहा पीछे को। तो मोदी जी फॉर्मूला से यू है किसान मर तो रहे, यू तो फॉर्मूला। राजनाथ जी कह रहे हैं कि डेढ़ साल देखो इस कानून को, फिर यू हटेगी ना डेढ़ साल पीछे कानून, यानी कह रहे हैं बिल्कुल है जाओ। क्या वो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहते हैं किसान भ्रमित हो गए हैं। किसान भ्रमित ना हो, सरकार भ्रमित है। इसके नीचे सरकार भ्रमित है, सरकार भ्रमित है, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं किसान है। तो वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने बरगला दिया किसानों को। विपक्ष कितनी तनक से इनके 300 उनके 40 वर्ष कैसे भरमा देंगे, 312 भरमा करे हमेशा जाके ज्यादा तो आया था भ्रमित होगा वो, थोड़े बारों कैसे कर दोगे भ्रमित का ही है। अच्छा ताऊ जी, जो आपने चुने हैं एमपी एमएलए वो बहुत मजबूत हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके, आप सड़क पर हैं? मजबूत तो हमने ही तो बनाए, अभी तो मजबूत है गए। मजबूत हो खुद मजबूत हो रही है, तो एमपी एमएलए आपके साथ नहीं खड़े? एमपी एमएलए तो इनका जो है का जो अपने अपने फेवर के जो 10-10, 20-20, 50-50 आदमी है उन पर समर्थन लगवा रहे हैं, उनका समर्थन लगवा रहे हैं, वो तो इनकी गा रहे हैं। दबे हुए हैं वो तो किसान, दबा हो थोड़ा ही है भाई, वो तो बंधे हुए हैं बीजेपी से, किसान को बंधे हुए हो रही है। कुछ किसान है जो सरकार के समर्थन में चले जाते हैं, वहाँ अपना कहते हैं बढ़िया कानून है। कोई समर्थन में ना जा रहा, कोई समर्थन में जा रहा, ये बीजेपी वाले उन्हें ले जाएं पैसा के दम पे और वो अपने समर्थन में खड़े कर रहे हैं। जो जा रहे हैं वैसे कोई ना जा रहा।